गाइस, अगर आपने सैफ अली खान की मूवी गो गोवा गोन देखी होगी तो उसमें आपको पता ही होगा कि क्या होता है। उस मूवी के अंदर कहानी ये थी कि उस मूवी में जो तीन दोस्त होते हैं वो जाते हैं पार्टी करने के लिए एक आइसलैंड पे, और आइसलैंड पे जैसे ही जाते हैं वहाँ पे पार्टी वार्टी कर लेते हैं, और पार्टी करने के बाद जब वो सो जाते हैं और सुबह उठते हैं उनकी आंखें खुलती है तो वो देखते हैं कि चारों तरफ जॉम्बिस, जो भी उनके जो पार्टी कर रहे थे वो सब के सब जॉम्बिस बन चुके थे सिवाय वो तीन बंदों के। और जब वो देखते हैं कि सब कोई जॉम्बिस बन चुका है तो यहाँ पे वो सरवाइव करते हैं, और जब देखते हैं कि वो समुद्र की तरफ कि उनका नाव कहाँ पे है तो काफ़ी दूर चला गया था और उनको तैरना भी नहीं आता था, तो वहाँ पे जाके सरवाइव करते हैं और अपने जैसे लोग ढूंढते हैं जो कि जॉम्बिस से इफेक्टेड नहीं हुए हैं। तो हमें भी यहीं पे करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो कैरेक्टर है उसको होश आ चुका है, वो अब वो सरवाइव करना है इसको और कुछ दोस्त से मिलना है जो जॉम्बिस नहीं बने हैं। तो यहाँ पे हमें एक हथियार लेना है जिससे कि जॉम्बिस को मार सके। तो सबसे पहले कंटेनर वंटेनर लूटते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ एक डॉक्टर पट्टी मिल चुके हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक कंटेनर नहीं है, हमें अलग अलग कंटेनर पर जाके चेक करना है कि क्या क्या हमें मिल सकता है। तो अब चलते हैं सीधा नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट लोकेशन पे हमें देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ मिल चुका है, लेकिन उसका बैग में चेक करते हैं क्या मिला है। तो यहाँ पर हमें कुछ टूटे हुए नारियल मिल चुके हैं जिसको खाने के बाद थोड़ी सी एनर्जी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे एक और कुछ मिल चुका है जो कि है कोई वेपन है, और वेपन है मुझे लगता है कि ये नारियल का पत्ता होगा या फिर जो बोट होते हैं वो जिसे चलाते हैं वही होगा। और यहाँ पे ये मुझे जॉम्बी से सरवाइव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ पे एक जॉम्बिस पड़ी है, लेडीज़ में जॉम्बिस है जो मेरे ऊपर कूद चुकी है जिसको मुझे मैंने फिनिश करना है। तो यहाँ पर मैं उसका फिनिश कर देता हूँ, और इस जॉम्बिस को फिनिश करने से मुझे कुछ रिवॉर्ड्स भी मिले हैं। और फिर से बता रहे कि हमें इधर कहीं कहीं जाना है और यहाँ पे कुछ और मिलने वाला है। तो यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है। और जो भी प्लेन में यात्री बैठे हुए थे उन वो सब के सब इफेक्टेड हो चुके हैं और ये जॉम्बिस में तब्दील हो चुके हैं, और ये मेरे सामने आ चुके हैं, और मेरे पास सिर्फ एक वेपन है जो कि गन नहीं है, सिर्फ एक लकड़ी मान सकते हैं, और इनसे इन सबको फिनिश करना है। और जैसे इन सबको फिनिश किया लेवल टू पे भी आ गया, और यहाँ पे एक स्कोप से दिखा रहा है कुछ मदद से जो कि गोली लग रही है जॉम्बिस को जिसने मेरी हेल्प की है, और ये एक लेडीज है जिससे मुझे दोस्ती करनी है और ये इफेक्टेड नहीं है, तो इससे मुझे दोस्ती करनी है और आगे का सर्वाइविंग करना है। तो यहाँ पे इससे मैंने दोस्ती कर लिया है और इसने कुछ मेरे से हेलो हाई किया है, दो चार बातें दोनों में हुई है। अब ये लड़की कह रही है कि यहाँ पे मैं जॉम्बिस वॉम्बिस नहीं हूँ, और मैंने यहाँ पे जो फायर किया है उसके जो गन साउंड है उससे काफ़ी सारे जॉम्बिस अट्रैक्ट हो जाएंगे और हमें यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। और साथ ही इस लड़की का मैंने इंट्रोडक्शन किया ही नहीं, और इस लड़की का नाम है जैनी, और इस लड़की से दोस्ती करने पे मुझे कुछ रिवॉर्ड्स भी मिल चुके हैं। और यहाँ पे एक मुझे वुड कटर मिला है जो पेड़ काटने वाला होता है, और मैंने यहाँ पे कुछ नारियल्स कलेक्ट कर लिए जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं आगे की तरफ, क्योंकि आगे मुझे न्यूट्रिशन के लिए कुछ भोजन के लिए चाहिए। और ये जो मुझे वुड कटर मिला है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस वेपन इन क्लोज रेंज, मतलब कि जो नज़दीकी दायरे में ये काफ़ी ख़तरनाक वेपन है जो कि किसी हॉकी स्टिक जैसे लकड़ी के मुकाबले में ये दमदार साबित हो रहा है। और एक एरिया हमें मिल चुका है जो कि थोड़ा बहुत चारों तरफ से कवर है, और जो कि जो भी टूटा फूटा है वो हम कवर कर लेंगे। तो हमें ये आज रात गुजारने के लिए ये एरिया काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करना पड़ेगा क्योंकि रात का कोई भरोसा नहीं है कि कब जॉम्बिस कहीं से भी आ जाए। तो यहाँ से मैं कुछ सामान वामान कलेक्ट कर लेता हूँ जॉम्बिस से, और यहाँ पे कुछ क्रिएट पड़ा हुआ है वो भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे एक जो जाली टूटी हुई है उसको मैं रिपेयर कर देता हूँ, और यहाँ पे जो नेट है वो रिपेयर कर दिया है, और भी देखता हूँ चेक करता हूँ कि क्या क्या सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है क्योंकि ये चारों तरफ से कवर है। तो ये एरिया मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है एक रात गुजारने के लिए, क्योंकि हम पूरा जीवन तो यहाँ पे रह नहीं सकते, तो यहाँ पे आगे भी सर्वाइव करना पड़ेगा। और यहाँ पे रात हो चुकी है और हमें एक गन मिल चुकी है जो कि है शॉर्ट गन। तो यहाँ पे हो चुकी है, एक और जॉम्बी साया था जिसको मैंने मार दिया,
और यहाँ पे जो मैंने एक जोम्बिस को मारा है, इसको देख के आप खुश मत हुए कि मैंने एक जोम्बिस मारा है, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी फौज आने वाली है जोम्बिस की। और यहाँ पे अब आ चुका है इनका जोम्बिस का लीडर, और अगर ये नहीं मरा तो ये फिर काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है हमारे लिए। तो यहाँ पे इसको मारना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरे पास यहाँ पे गन है, तो यहाँ पे पहले इनको निपटाता हूँ, और सबसे पहले इस मोटे वाले को निपटाता हूँ, और ये मुझे डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मेरा भी HP 10 HP मुझे लगता है कि है, और वहाँ पे भी उसका 10 ही था, लेकिन एंड दिया मैंने उसको मार दिया। और यहाँ पे फिर से जॉम्बीस आने लगे, तो मैं जल्दी से इन्वायर में वो करंट सप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि वो टच करेंगे वो सब के सब मरते जाएंगे और मेरा काम आसान होता जाएगा। और इसी के साथ मुझे लगता है कि मेरे आसपास जो भी जॉम्बीस थे उनका सफाया हो चुका है, और जल्दी से मैं अपने कैंप में आता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, तो मुझे अब सोना भी है और फिर से कल से सर्वाइव करना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इससे कुछ बात बात करके अब जा रहा हूँ मैं सोने। तो अगर आपको अगला पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए टाटा एंड बाय।